आपने देखा होगा कि इंसान के लिए स्वास्थ्य विभाग कई कैंप आयोजित करता है, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं खरगोन में, जहां कुत्तों के लिए भी शिविर का आयोजन किया गया। जी हां, खरगोन के वल्लभ नगर में अर्चना मेडिकोज और कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा हेल्थी वेलकम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रहवासी अपने पालतू कुत्तों को एंटी रेबीज के डोज लगाने के लिए पहुंचे। इस मौके पर डॉक्टर संजय पाटीदार, डॉक्टर AL शर्मा, डॉक्टर संतोष मंडलोई, डॉक्टर खेमेंद्र रोकड़े, डॉक्टर सुरेश जायसवाल सहित अन्य कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे और आयोजित कैंप में शहर भर के लोगों ने अपने कुत्तों का चेकअप कराते हुए रेबीज वैक्सीन का डोज लगवाया। डॉक्टर खेमेंद्र रोकड़े ने बताया कि रेबीज मुक्त भारत का एक सपना है। रेबीज एक घातक और जानलेवा बीमारी है। एक बार रेबीज हो जाए तो चाहे मनुष्य हो या जानवर, उसकी मौत निश्चित है, इसलिए इसका बचाव आवश्यक है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि जब स्वयंसेवी संस्थाएँ और इस प्रकार से प्राइवेट बिजनेस ओनर समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं तो सही अर्थों में समाज का उत्थान होता है, क्योंकि समाज का मूल तत्व या समाज के प्राण या समाज की आत्मा कहें, बहुत सामाजिकता है। और जिस समाज में सामाजिकता नहीं है, हाँ, मुर्दे के समाज में निर्जीव है, तो सामाजिकता बनती है, सामाजिकता आती है और हित से आती है, परोपकार की भावना से आती है, सहकार की भावना से आती है। वो हमारा है वो तो चिल्लाएगा, ये उसका मूल गुण है, उसको रोक नहीं सकते बोलने से। सामाजिकता आती है और हित से, परोपकार की भावना से, सहयोग की भावना से, सहकार की भावना से। और सहकार की भावना, आप लोग सब नए लोग हैं और नए लोगों ने एक समाज की भावना लेकर के आना, और जिस प्रकार से मातृशक्ति, हमारी छोटी बहनें बेटियां, जिस प्रकार से आप लोग समाज के भाव लेकर के आगे बढ़े हैं, यह समाज अब सही मायनों में नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर का या स्वच्छ भारत का या भारत को शिखर पर ले जाने का जो सपना है वो निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि आप जैसे नए लोगों ने अगर सोच लिया है कि हमें समाज सेवा करनी है तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा। और जिस प्रकार से स्ट्रीट डॉग के लिए अपनी फ्री वैक्सीन के लिए, अगर कोई सोचता नहीं है पशुओं के बारे में, पशुओं के बारे में सोचना आज की तारीख में यह स्थिति है कि आदमी भाई का नहीं होता, समाज में परिवार की पारिवारिकता खत्म होती जा रही है। और जब हम पशुओं के लिए, मूक पशुओं के लिए, गले में घूमते फिरते जानवरों के लिए अगर सोचते हैं, ये समझ लिए निश्चित रूप से कि भारत में मानवता भाईचारे की भावना अभी जिंदी है और जिंदा है, और हम निश्चित रूप से इसको आगे लेकर के चले जाएंगे। आज का ये कैंप है कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकोज का संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है, और इसका एक बड़ा सपना है, एक रेबीज मुक्त भारत का एक सपना है। जैसे कि हम बात करें कि विश्व स्तर की बात करें या भारत स्तर की बात करें, तो रेबीज एक घातक बीमारी है, वो जानलेवा बीमारी है। यदि एक बार रेबीज हो गया, वो मनुष्य हो या जानवर, तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बचाव के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम रेबीज का टीकाकरण कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो रेबीज का जो संचार होता है वो अधिकतम 99% केसेस में हमें देखा है कि इंसानों में वो कुत्ते के काटने से होता है, श्वान के काटने से होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसको दो तरह से रोक सकते हैं, या तो हम डॉग की पॉपुलेशन को रोक सकते हैं और दूसरा उसका रेबीज का टीकाकरण कर सकते हैं। तो ये एक बृहद कंसेप्ट लेके ये आए हैं कर्तव्य फाउंडेशन और अर्चना मेडिकोज, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।